Very good morning, students of class 10th. Here the continuation of the chapter number 3 of your economics, money and credit, and I am Poonam Prasad, your SST teacher. Students, today's topic that we have already started our chapter number 3, money and credit, and in our previous class we came across with the definition of money and the need of money in our day-to-day life. So, today we are going to start with a very important topic, and the topic is called as barter system. We call it as a barter system. Students, this is quite an important topic of your chapter. बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा. बेटा, barter system को हम लोग हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी वी कॉल्ड इट एज द कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी. हियर व्हाट इज इट, इट मींस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द बार्टर सिस्टम, इट इज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. चिल्ड्रन, इन आर एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, आर एंसेस्टर्स, they relied on the direct exchange of goods and services. लोगों के पास surplus चीज़ें होती थी, surplus वस्तुएँ यानी surplus things होते थे, goods होते थे, तो इसके एवज़ में वो लोग, जैसे कि अगर एक farmer है, उस farmer के पास wheat है, surplus है, और उसको तेल की ज़रूरत है या उसको दूध की ज़रूरत है, तो वो अपने उस सरप्लस वीट को बेचकर, उस सरप्लस वीट को देकर वो दूसरे से क्या ले लेता था बेटा, वो दूध ले लेता था, या उसकी जो अपनी नीड थी ऑयल, उसको वो ले लेता था, है ना, उसको वो खरीद लेता था. तो वी कॉल्ड इट एज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बट हियर चिल्ड्रन, देयर इज नो मीडिएशन ऑफ योर मनी. हियर, यहाँ पे मनी का कोई भी रोल नहीं है, यहाँ पे कोई भी करेंसी का रोल नहीं है, यहाँ पे कोई पेपर नोट या कॉइन्स जैसी चीज़ें नहीं है. इट मीन्स दिस इज़ अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट द मीडिएशन ऑफ द मनी. बार्टर सिस्टम चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सी डैश सी इकोनॉमी, दैट वी कॉल्ड इट एज द कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी. Here I would like to give you an example that if a farmer have a surplus spare of the wheat, uske paas wheat zyada hai, hai na, and a farmer need what axe, it means kulhaadi, to wo market mein jayega kiske saath, apne wheat ke saath, aur wo us vyakti ko dhoondega jiske paas axe hoga, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए, वीट. समझ रहे बेटा, यानी कि राम वो गए कहाँ पे, उनके पास बहुत सरप्लस में वीट यानी गेहूँ है, उनको कुल्हाड़ी की ज़रूरत है, वो मार्केट में गए, जो लोकल मार्केट होता है, बाज़ार, और वहाँ जाके उन्होंने उस व्यक्ति को ढूँढा, उस दुकान को ढूँढा जहाँ पे उनको कुल्हाड़ी भी मिलेगी और उस व्यक्ति को गेहूँ की ज़रूरत भी होगी, ठीक है. और जैसे ही उनको अपनी ज़रूरतों का सामान मिल जाता है और उनका बार्टर कंप्लीट होता है, देन दिस टाइप ऑफ, दिस अर्ली फॉर्म ऑफ ट्रेड इज, वी कॉल इट एज बार्टर. दस the barter economy is called as the commodity for the commodity. Here it is a medium of exchange is what, commodity for the commodity. beta, ye ancient period of time mein to tha, lekin sometimes aaj ke duration mein, khas kar rural india mein agar hum dekhe, to it is not acted as a medium of exchange, but sometimes kya hota hai ki jaise ki ek vyakti hai, है ना, मिस्टर एक्स इज़ देयर, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, मिस्टर एक्स, और उनके घर में पेड़ों, आम के पेड़ हैं, है ना,
बेटा उन्होंने आम तोड़े और वो मास्टर जी के पास पहुंचे और मास्टर जी के पास उनका बेटा पढ़ता था। वहाँ पे गए और उन्होंने अपने बागान के जो आम थे वो दिया उनको और कहा कि मास्टर जी इस बार कि ये एज अ गिफ्ट के तौर पे, यानी एज अ आपने मेरे बच्चे को अच्छा पढ़ाया, मैं आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे देता हूँ। बेटा ये एक तरीके का आज के समय में खासकर गांव देहात में होता है, चलता है। दूध पहुंचा दिया डॉक्टर के पास, या किसी के पास जब पैसा नहीं होता है कोई फीस देने के लिए तो उसके एवज में उनको ये आइटम्स दे दिया जाता। तो समटाइम्स ये हम कह सकते हैं इट इज़ समवेयर समहाउ को रिलेट विद द, ये एक आपसी समझौते के तहत गांव देहातों में आज भी प्रचलन में है, लेकिन बहुत ही कम प्रतिशत में, यानी इट इज़ कैरी विद अ वेरी लेस परसेंटेज। समटाइम्स गांव में ऐसा होता है, सब्जी है, सब्जी सरप्लस है, लाओ सब्जी दे दो, है ना। और लेकिन वो दो तरीके से हो सकता है, एज अ गिफ्ट के तौर पे भी और समटाइम्स उसको एज अ किसी वस्तु के अगेंस्ट में, यानी कि आपने हमारे लिए किया है सर्विस, यू आर प्रोवाइडिंग मी विद दिस सर्विस सो आई एम गिविंग यू दिस सॉर्ट ऑफ कॉमोडिटी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज द बार्टर सिस्टम। लेकिन बेटा ये बार्टर सिस्टम अब डिसकॉन्टिन्यू है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूमरस ऑफ डिसएडवांटेजेस, इट मीन्स व्हाट वी कॉल्ड इट एज द डीमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम। बेटा जब आप डी मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे तभी आपको मेरिट ऑफ मनी पता चलेगा। सो व्हाट आर द डी मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम, हेयर इज़ वन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये हम लोग लेटर ऑन आपको पॉइंट टू पॉइंट वाइज विद एग्जांपल मैं दूंगी। सेकंड, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इज देयर, लैक ऑफ डिवाइजिबिलिटी, डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, डिफिकल्टीज इन डेफर पेमेंट and difficulties in exchange of services. There are the six demerits of barter system, and children you have to go through with the definition of barter system along with the examples. कोई भी question पूछ सकता है, खासकर lack of double coincidence of want अक्सर पूछा गया है, lack of double coincidence of want। बेटा इसको समझने के लिए मैं अगर आज के परिवेश में, क्योंकि रीसेंट टाइम में, इफ़ आई वुड लाइक टू गिव यू द एग्जांपल, जैसे कि इफ़ आई वुड, इफ़ यू एज अ स्टूडेंट वांट अ पेंसिल और अ पेन, आपके पास 10 रुपीज़ की पेन है, आप पहुँचे मार्केट में, आपके पास 10 रुपीज़ है, फाइन, आपको पेन ख़रीदना, स्टेशनरी शॉप में गए, आपने बोला अंकल मुझे 10 रुपये वाली पेन चाहिए, उन्होंने 10 रुपये वाली पेन आपको ब्लू ब्लैक जो भी आपकी नीड थी वो आपने दिया, वहाँ पे उसके उन्होंने आपने पूछा अंकल ये कितने का, उन्होंने कहा 10 रुपये का, आपने अपने पॉकेट से 10 रुपये दिए, निकाले और उनके सामने रख दिया, इसे हम कहते हैं क्या है, दिस इज़ वॉट वी कॉल्ड इट एज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, इट मीन्स हेयर द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज वॉट मनी, मनी ने हमारी जो कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, डबल का मतलब द बायर एंड द सेलर इज देयर, और ऐसे दो व्यक्ति, यहाँ पे बायर एंड सेलर के अलावा ऐसे दो व्यक्ति जिनको ज़रूरतें हैं, लेकिन ये कमी किस में है बेटा, लैक ऑफ डबल डी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट किस में, बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो बार्टर सिस्टम का वो यही है, यहाँ पे जो बार्टर ट्रांजैक्शन है चिल्ड्रन, इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन टू पर्सन दे डिजायरिंग द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज। यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है दैट इज टू पर्सन, टू पर्सन इज देयर बेटा, ये दिस इज टू पर्सन राइट, यहाँ पे टू पर्सन इट मीन्स डिजायरिंग एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज should have such commodities which are mutually needed by each other. For example, if Ram wants cloth which Shyam has, then Shyam should have such commodity which Shyam wants. Then Ram should have such commodity
which Shyam wants. Example, dusra. Students, जैसे कि मैंने बताया, फॉर एग्ज़ाम्पल राम है, ठीक है, या श्याम है, या रोहन है, या राहुल है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हम नाम ले रहे हैं, उनके पास सरप्लस वीट है और उन्हें एक्स की ज़रूरत यानी कि कुल्हाड़ी की ज़रूरत है, वही हमने पहला वाला एग्ज़ाम्पल लिया, ठीक है, बाटर सिस्टम है। वो मार्केट में गए, बेटा हुआ क्या, जब वो पहुँचे तो मार्केट में वो पहले पर्सन से मिले, पहले पर्सन के पास एक्स तो है बेटा, कुल्हाड़ी तो है, लेकिन पहले पर्सन को वीट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे बाटर सिस्टम क्रॉस यानी कि बाटर सिस्टम नहीं होगा, वहाँ बाटर सिस्टम नहीं चलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट, दोनों व्यक्तियों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई किसी भी सामान को खरीदने की। बेशक जो रोहन के पास वीट है, वो गए भी किसके पास, एक्स वाले के पास, एक्स वाले के पास एक्स भी है जो कि रोहन को ज़रूरत थी, लेकिन बेटा उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को वीट की ज़रूरत नहीं थी, दूसरे के पास गए। फिर राहुल आगे बढ़े, वो दूसरे व्यक्ति के पास गए, दूसरे व्यक्ति ने कहा मुझे वीट की तो ज़रूरत है लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कुल्हाड़ी की ज़रूरत, कुल्हाड़ी नहीं है जो कि आपकी ज़रूरत है ना, तो वहाँ पे भी बाटर सिस्टम कैंसिल हो गया। रोहन उस व्यक्ति को ढूँढेगा बेटा जिसके पास एक्स भी होगा और जिसके पास, जिसको किसकी ज़रूरत होगी बेटा, किसकी ज़रूरत होगी, उसको ज़रूरत होगी वीट की, है ना। तो जैसे ही वो व्यक्ति मिला, वो उनका बाटर कंप्लीट हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बेटा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वेस्टिंग टाइम इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लकी भी हो सकते हैं रोहन कि पहली बार में ही पर्सन उनकी वांट को फुलफ़िल कर सके, दूसरी बार ये भी चांस हो सकता है कि पूरा दिन निकल जाए और उनका बाटर कंप्लीट ना हो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट। अब इसको कोरिलेट करो मनी से, तो मनी में क्या है, मुझे बस एक्स के लिए पैसा होना चाहिए, 150-200 रुपीस में गई, मैंने 200 रुपीस दिया, शॉपकीपर ने कहा, हार्डवेयर ने कहा हाँ मेरे पास एक्स है, ये 150 का है, 200 का है, 300 का है, आपको कौन सा चाहिए, मैंने कहा मुझे 150 चाहिए, मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने मुझे एक्स दिया, कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज सेकेंड इज कॉल्ड एज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा इन बाटर सिस्टम द वैल्यू ऑफ एवरी कॉमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अदर कॉमोडिटी, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट कैन इट बी पॉसिबल हियर, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द कॉमोडिटी वैल्यू विद अदर कॉमोडिटी। स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी मेजर द काउ विद द 7 गोट्स, कैन वी, नो। So there is no common measure of value under the barter system. कोई value नहीं है. Different commodities are having different value, and it is quite difficult to decide in what proportion the two goods to be exchanged. हम किस proportion पे, जैसे कि can milk and oil be exchanged? हम कह सकते हैं liquid state में तो exchange कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा दोनों का वेरिएशन हमें कब पता चलता है, मनी में, है ना। अब अगर हम बात करें, क्या हम अगर गोल्ड को एक्सचेंज करना चाहेंगे, तो बेटा गोल्ड को हम गोल्ड से ही एक्सचेंज कर रहे हैं, कर सकते हैं, वी कैन नॉट एक्सचेंज विद इट विद द अदर प्रीशियस स्टोन, विद द अदर बीड्स, यू कैन से विद द अदर
precious like your silver or etc. है ना. सो इफ मिस अलीशा wants to wanted 2 kgs of rice in exchange of 4 kgs of wheat from Mr. Adil, but Mr. Adil is not ready to give 2 kg of rice in return of, you can say, 4 kgs of wheat, then kya hoga? Barter system cancel ho jayega. ठीक है. तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोई भी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यूज कैन नॉट बी फाइंड हेयर इन द बार्टर सिस्टम. अब चिल्ड्रन, मनी में क्या होगा? मनी में इफ़ आई वांट 2 केजीज ऑफ मैंगोज, ऑफ कोर्स 1 केजी ऑफ मैंगोज कैरी 80 रुपीस, सो 2 केजीज मींस 160 रुपीस, सो आई हैव टू पे 160 रुपीस एंड द vegetable vendor or a fruit seller gave me 2 kgs of mangoes. Yahan pe measures of value correct hota hai kis mein? Money mein. Lekin barter system mein lack of common measure of value occurred. Is that clear, students? Now come to the third, lack of divisibility. Students, lack of divisibility. In barter system, we cannot divide all the commodities into small units, can we? It is also one of the problem of barter system. Yes, there are many goods which cannot be divided or subdivided in the absence of common medium of exchange. Problem arises when a big indivisible commodity or a thing is to be exchanged for smaller unit or commodity. If a price of cow is equal to 7 goat, then a person having 1 goat exchange it for the cow. Can it be possible? No, it cannot be possible to divide the cow into the smaller pieces. Beta, ye hai, ye sabse bada hai, divisibility. Hum kaise divide kare? How can we divide half kgs of wheat with half liter of your or 250 grams of your oil? Can we divide a shoe with the oil? No. Can we divide a cow with 7 goats? No. And thus it is what we called it as, it is a lack of divisibility, children, in terms of barter system. Lekin ye cheeze money mein nahi hai. If I want 250 grams, मैं pay करूँगी 250 gram का ही commodity का पैसा, है ना बेटा. चाहे आप money, अब for example, if shopkeeper said, madam kindly give me 23 rupees, मैं क्या करूँगी? 20 plus 2 plus 1, है ना, और I can give 25 rupees in return, वो मुझे 2 रुपये देंगे. इसके साथ साथ मैं जितनी भी कॉमोडिटीज़ हैं उतनी कॉमोडिटीज़ के डिवाइजिबिलिटी पे पैसा पे कर सकती हूँ. किस में? मनी में. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है. किस में? बार्टर सिस्टम में. अगर मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल, सर आई नीड हाफ प्लेट ऑफ मटर पनीर, one plate carries of 150, half plate it carries of 75, I suppose. Yes, 75. My maths calculation is quite good, beta. So 75 maine diya, wahan pe kya hui? Wo divisibility in terms of currency, in terms of money and in terms of commodity ho sakta hai. Hum utna hi pay karenge jitna, lekin this cannot be done in barter system. To ye बहुत इम्पॉर्टेंट
उनका lack of divisibility. Next is called as the difficulties of storing the wealth. Yes, beta. हम लोग मनी में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं विद इन द हेल्प ऑफ इन दिस मनी वर्ल्ड, बट इन बार्टर सिस्टम इट वोंट बी पॉसिबल. देखो, ऐसी कुछ चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल अ कारपेंटर शुड स्टोर इट्स यू कैन से वुड वेल्थ लाइक टेबल्स चेयर्स, बहुत बड़े कमरे के लिए उन्होंने लिया और उठा के उनको डंप कर दिया, है ना. बट अगर हम बाटर सिस्टम में ही मीट है, चीज़ है, मिल्क है ना, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हम उसको काफ़ी समय तक स्टोर नहीं कर सकते. मनी को अगर हम स्टोर करते हैं इन फ्यूचर, तो बेटा वो एडेड ही होगा, वो नुकसान नहीं देगा, है ना. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन बाटर सिस्टम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टोर द वेल्थ. Next is called as, the fifth one is difficulties in deferred payment. Student, first of all, you should know about that what is deferred payment. Deferred payment means future payment होता है ना बेटा. हम लोग business करते, trading करते, कुछ पैसा invest किया, कुछ पैसा हम future के लिए छोड़ देते हैं. हमने banks में भी कुछ पैसा छोड़ा ताकि वो हमें with interest हमें मिल सके. हमने लोन लिया, वो भी एक फ्यूचर पेमेंट के तहत ही आएगा. अंडर बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट फॉर प्रेजेंट ट्रांजैक्शन इज नॉट पॉसिबल बेटा. फ्यूचर एक्सचेंज इन्वॉल्व्स मेनी डिफ़िकल्टीज. फॉर एग्जांपल, वी कैन से दैट द लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल इन द बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी गुड्स के लिए, है ना. हम किसी को रोक नहीं सकते, एक्सेप्ट लैंड को छोड़ दें तो हमारा कोई भी ऐसी कॉमोडिटी नहीं है जिसको कि हम स्टोर कर सके, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सके अपने फ्यूचर पेमेंट के लिए. किस में? बार्टर सिस्टम में, ठीक है. तो यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट के तौर पे बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है. नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज, इट इज़ दिस लास्ट डिफ़िकल्टीज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर, मुझे लास्ट में जब 31st को सैलरी मिलेगी, 30 को सैलरी मिलेगी, तो मुझे सैलरी के एवज में क्या मिलेगा? पूरा राशन और अदर थिंग्स कैन बी, है ना, वही सब है. तो it won't be possible to exchange the services in barter system. हम doctors की fees, teachers की fees या teacher का payment या wages हम कैसे करेंगे? क्या हम goods के through? अगर ऐसा होगा बेटा, तो हमें 31st को अपनी गाड़ी बहुत बड़ी ले जानी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर salary is quite good here in terms of, तो उसमें आपको उसी हिसाब से सामान भी काफ़ी ज़्यादा होगा. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हाँ, मैंने पहले ही बताया आपको, रूरल इंडिया में आज भी शिक्षकों को या टीचर या डॉक्टर्स को या जो प्रिस्ट होते हैं, है ना, उन सबको वो, हाँ, हमारी एक मैडम, हमारी मदर के घर में एक दिवाली के टाइम पीरियड में एक पॉटर आया करती थी, वो दिए लेके, वो हम बहुत छोटे थे, वो दिए लेकर आती थी और बेटा उसके बदले में माँ हमें, माँ उन्हें सीधा दिया करती थी. इट मीन्स दाल, चावल, आटा, है ना, वो पैसा नहीं लेती थी. उसके बदले में वो आलू है, नमक है, हल्दी है ना, या थोड़ा गरम मसाला है, ये माँ हमारी बांधकर उनको दिया करती थी, ठीक है बेटा. या उन दियों के बदले में वो हर किसी से वो सीधा लिया करती थी, या दिवाली की मिठाइयाँ हुई तो वो ले लिया करती थी, है ना बेटा. तो वो सिस्टम, ये एक सर्विसेज है, सर्विसेज में ये तब भी डिफ़िकल्टीज़ ही पैदा करती है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर द सर्विसेज, बिकॉज इट वोंट बी पॉसिबल टू मेजर द
services of a doctor or a teacher or a priest or a watchman or a postman, etc. in this barter system. So children, this is all about your today's class. You have to go through with the video, you have to go through with the topic. Aap ek bar topic rakhiyega, aapka ek hi question hoga, then the question is for your homework that you have to define barter system and what are the examples of what are the demerits of barter system. You have to explain it with examples. Fine. In tomorrow class, I would like to give you the evolution of money. Is that clear, students? Evolution of money hum log padhenge ki kis tarike se money aaya in the present scenario. Theek hai, wo stages hai, 1 to 5 stages are there. We will study about all these stages aur uske baad hum log further topics ko cover karenge. ठीक है बेटा, बट माय रिक्वेस्ट इज यू हैव टू वॉच द वीडियो एंड यू हैव टू गो थ्रू विद द नोट्स. ठीक है बेटा, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ ग्रेट डे.